व्लॉग, जो हमारा ये आज का व्लॉग है ये सबसे ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं शिमला के एक बहुत ही फेमस और टूरिस्ट स्पॉट पे, जो है आप सबका मनपसंद माल रोड। तो गाइस अब हम अपने वे पे हैं, हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ये व्यू है पूरे मरीना होटल का, जो हमारा ये वे के बीच में आता है। तो देखिए यहाँ पर आज एक मैरिज है, तो गाइस काफी बड़ा और काफी अच्छा होटल भी है, साथ ही साथ यहाँ पर एक मैरिज है, इसलिए आगे से पूरे हजार हजार हुआ है। और जो लोग हैं वो भी काफी अच्छे से प्रॉपर मास्क उन लोगों ने पहने हुए हैं। और ये पूरा व्यू है होटल का, बाकी इसमें जो पिछला व्यू है उसमें पार्किंग है और कुछ खास नहीं है। गाइस ऐसे क्या होता है कि अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, तो बाकी गाइस मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हम लोग शाम के टाइम इसलिए आए क्योंकि लोग भी कम होते हैं, और साथ ही साथ में कुछ खास दिखाना था आपको। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है जो बिल्कुल नेचुरल है। बिल्कुल ही नेचुरल वाटरफॉल है, जो अच्छा है, काफी अच्छा है। ये देखिए अभी आप देखना, अभी तो हम जैसे शाम को आए, पर रात के टाइम बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा लगता है। बस यार चुप रहा करो दुकान। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल वाटरफॉल नहीं है कि इसमें से शावर्स लगे होते हैं, बिल्कुल नेचुरल है। ऊपर से आप देख सकते हैं ऊपर से पानी आ रहा है, और आजकल काफी बारिशें भी हो रही हैं, उसकी वजह से भी हो रही है। तो गाइस अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, चलते हैं। मैं आपको कुछ इसका वाइड एंगल व्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप पूरा ऊपर तक कैसे है, काफी ऊपर तक है। चलो अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें अपने छोटे से वीडियो में पूरा डिस्टेंस कवर करना है, आप लोगों को भी दिखाना है, और साथ साथ हम लोग तो जा ही रहे हैं। अब काफी लोग होते हैं वो शिमला घूमने आते हैं, और जो शिमला घूमने आएगा वो 100% माल रोड तो आएगा। ये इतना फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, पर अब हम लोग जैसे शिमला में ही रहते हैं तो हमें पता है, और हम इतने इम्प्रेस नहीं होते हैं हम जब आते हैं, क्योंकि जैसे कि गाइस हम यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा बार आ चुके हैं, तो हमें इतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगता है, पर जो पहली बार आएगा उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस अब हम आपके साथ आगे कंटिन्यू रहेंगे, तो हम भी आगे आगे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि शिमला की बात है, तो ये बहुत एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर होटल्स ही होटल्स हैं जैसे आपको दिख रहे हैं, और साथ ही साथ आपको एक हमारा कुछ खास, ये सारे होटल्स हैं, यहाँ ये होटल्स की चेन है, ये सारे होटल्स ही होटल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारे होटल्स होना भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर होटल्स की बात चली रही है तो मैं आपको एक खास होटल दिखा दूँ, जो शिमला का सबसे ओल्डेस्ट होटल है, जो ओबराय क्लार्क्स है इसका नाम, ओबराय क्लार्क्स। ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होटल है, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आते हैं, क्योंकि ये पूरे शिमला का सबसे ओल्डेस्ट होटल है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बात ही बता दूँ, तो ये बात बताऊँ कि इसकी थ्री चेन्स है शिमला के अंदर, ये एक ओबराय क्लार्क्स, एक वाइट फ्लावर हॉल, और एक होटल सेसन। तो गाइस ये शिमला ही ऐसी जगह है जहाँ पर जो क्लार्क्स की इतनी बड़ी चेन है, ये है नहीं तो एक पूरी एक सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा एक होटल से ज़्यादा या दो होटल से ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये इंडिया और शिमला का पहला होटल भी है, और इस साथ ही साथ शिमला का नहीं ओबराय ग्रुप्स का भी पहला होटल है, तो ये ओबराय ग्रुप्स की शान है। तो गाइस मैं जैसे कि आपको जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1898 में ये होटल बना था, और ओबराय ग्रुप का यह पहला होटल है। इसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड ओबराय ग्रुप्स ने होटल खोले, शिमला ही एक ऐसा जगह है जहां पर इसके तीन होटल्स हैं। ओबराय का ये जो होटल दिखा रहे हैं क्लार्क्स, सबसे पहला होटल, इसके बाद ओबराय सीसल, और एक वाइल्ड फ्लावर हॉल। पूरे वर्ल्ड में इनके किसी भी सिटीज़ में
इसको दो होटल से ज़्यादा नहीं है। ये पहली सिटी है जहाँ पर इनके तीन होटल्स हैं। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, काफ़ी ट्रेडिशनल भी है और काफ़ी पुराना भी है। आप देख सकते हैं इसका पूरा 360 व्यू, तो मैं आपको दिखा दूं। तो आगे और भी हम सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि हमारे जो हम जैसे माल रोड से आ रहे थे तो ओबेरॉय क्लार्क्स, विलोज बैंक्स और काफ़ी सारे होटल्स हमें यहाँ से भी दिख रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जब हम वापसी में आएंगे तो मैंने आपको कोई एक स्पेशल पॉइंट दिखाना है। जो आपको ये सारी पार्किंग्स दिख रही हैं, जो ये पार्किंग्स हैं इनसे हम यहाँ पर एक लिफ्ट है उससे आप आ सकते हैं। जो लोग कोई सीनियर सिटीजन है या फिर वो लोग चलना ना चाहें तो हम आपको वो लिफ्ट भी आते आते दिखाएंगे। और साथ ही साथ गए ये पूरा शिमला का व्यू है जो आप लोग देख रहे हैं साथ में, और साथ में वो हाई कोर्ट है और बाकी ये सारा इंटरकनेक्टेड रोड है गाइस। तो आप देख सकते हैं आजकल टूरिस्ट की भी काफ़ी आवाजाही चली हुई है, काफ़ी सारी कार्स हैं, कुछ पार्किंग्स वो भी फुल हैं गाइस, देख रहे हैं। और ऊपर से आजकल जो शिमला का मौसम है काफ़ी प्यारा है, देखिए हर जगह फॉग ही फॉग हुई हुई है, काफ़ी प्यारा और काफ़ी ब्यूटीफुल मौसम। ये टूरिस्ट के घूमने के लिए परफेक्ट मौसम है, इसमें ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है गाइस। आप लोग देखिए ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, बाकी अगर कुछ मेन चीज़ें आएंगी माल रोड तो हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ये देखिए ये यहाँ से आपको कुछ बहुत ही खास दिख रहा है जो है चर्च, जो है माल रोड पे। अगर हम जब हम ऊपर को माल रोड के लिए जाएंगे तो हम आपको, और इसको शिमला की जान भी खा जाता है क्योंकि तो पूरा माल रोड भी फेमस है चर्च की वजह से। तो गाइस जब हम ऊपर को जब हम जाएंगे हम माल रोड रीच करेंगे हम आपको उसका पूरा 360 व्यू भी दिखाएंगे इस चर्च का। यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है पर हम पास से भी दिखाएंगे। बाकी गाइस अब आगे चलते हैं और धीरे धीरे चलते गाइस। अब आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और टूरिस्ट घूमने आए हुए हैं क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये काफ़ी प्यारा मौसम है, काफ़ी अच्छा मंथ है, तो लोगों को लगता है कि अब हमें घूमने आना चाहिए। पर लेकिन उन लोगों को लगा है कि जो कोरोना है वो थम गया है, पर अगर वो लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे तो जो कोरोना है वो बढ़ता रहेगा। गाइस अभी हम आपको कुछ देर बाद स्कैंडल पॉइंट दिखाएंगे और स्कैंडल पॉइंट क्या था हम आपको उसी कहानी भी बताएंगे। तो आपको माल रोड का एक और तस्वीर साझा करते हैं। ये माल रोड का पुराना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस था जिसकी अब रेनोवेशन चल रही है और इसी के बिल्कुल सामने रिपोर्टिंग रूम है। और जो लोग शिमला से काफ़ी पहले जा चुके हैं उन्हें एक नई चीज़ और बताते हैं, ये प्यूमा का शोरूम है। यहाँ पर पहले बालजीज रेस्टोरेंट हुआ करता था, सभी लोग यहाँ पर गरम गरम गुलाब जामुन खाया करते थे, लेकिन अब यह है प्यूमा का शोरूम बन चुका है। इसी के आगे आपको अब दिखाएंगे स्कैंडल पॉइंट। तो
हम बस कैंडल पॉइंट पर पहुंच गए हैं। ये शिमला का एक चौराहा है। स्कैंडल पॉइंट का नाम स्कैंडल पॉइंट क्यों पड़ा? महाराजा पटियाला जब यहाँ रहा करते थे तो उस दौरान उन्होंने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड किचनर की बेटी पर इतना मुग्ध हो गए कि उनका अपहरण कर लिया था, और उसके बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया था और काफ़ी स्कैंडल हुआ था। तब से इसका नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ गया। और देखिए ये तो ये है स्कैंडल पॉइंट। आज भी पुरानी बिल्डिंग सभी, शिमला का पोस्ट ऑफिस, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये। अब आपको रिज की तरफ ले चलेंगे। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली गाइस ये है शिमला का रिज, शिमला की जान। ये चर्च है यहाँ। ये रिज मैदान है, यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। संडे के दिन लोकल तो लोग तो आते ही हैं, साथ में काफ़ी टूरिस्ट की चहल करनी भी रहती है। का फ्रंट व्यू है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बस हम लगभग रिज पर पहुंच चुके हैं। ये गेटी थिएटर है। तो फाइनली गाइस ये है शिमला का रिज, शिमला की जान। ये चर्च है यहाँ। ये रिज मैदान है, यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। संडे के दिन लोकल तो लोग तो आते ही हैं, साथ में काफ़ी टूरिस्ट की चहल करनी भी रहती है। गाइस अब हम आपको दोबारा मिलेंगे इसी ब्लॉग के साथ। अभी हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे। बाय गाइस। हाय फ्रेंड्स, अब हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। काफ़ी देर बाद घूमने के बाद हमें काफ़ी मज़ा आया। हमने सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस, हमारे फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट्स आपको भी दिखाए, और हमने तो साथ ही साथ देखे। काफी थकान भी हुई पर मजा बहुत आया, और शायद
आप लोगों को भी आया होगा। तो गाइज अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और व्लॉग्स हमारे देखने हैं तो आप इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोज और व्लॉग्स हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। तो और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट भी करना और बताना भी, और अगर अच्छा लगा तो कोई अपने प्यारे और अच्छी बातें अपने कमेंट के थ्रू लिख देना और हमें भेज देना। सो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस ऑन द YouTube।